हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो किया है जंतु ऊतक, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जंतुओं में समन्वय। समन्वय क्या होता है? समन्वय होता है कि किसी भी चीज़ का तालमेल या उचित समायोजन। जैसे जंतु में बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, उन जीवों की क्रियाएँ सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, सब एक दूसरे से मिली हुई रहती हैं। एक खराब होगी तो दूसरी अपने आप खराब हो जाएगी, एक सही होगी तो दूसरी भी सही हो जाएगी। जैसे यदि हमारी पाचन क्रिया सही ना हो तो क्या होगा? हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। जब हमें पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अगर वृक्क कार्य नहीं करेगा तो उत्सर्जी पदार्थ बाहर नहीं निकल जाएंगे, वो नहीं निकलेंगे और वो हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे जो हमारी सारी जैविक क्रियाएँ हैं वो सारी प्रभावित हो जाएंगी। इस तरह से शरीर में जीवन की सभी क्रियाओं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिनका आपस में तालमेल और उचित समायोजन होता है, इसे ही समन्वय कहते हैं। मतलब अगर हमने कोई भी काम नहीं किया है या कोई हमारी चीज़ ख़राब हो गई है, अब देखिए आपने कभी कभी बहुत खा लेते हैं, आपके पेट में जगह नहीं होती है, आप फ्रेश भी नहीं हो पाते हो, उत्सर्जन भी नहीं कर पाते हो, तो क्या होता है? आपको बदहजमी हो जाती है, आपका सर में दर्द होने लग जाता है, सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। इसे ही समन्वय कहा जाता है। संतुओं में समन्वय स्थापित करने के लिए दो तंत्र होते हैं। कितने तंत्र होते हैं? दो। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र मतलब होता है नियमन और नियंत्रण। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनके नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र होता है। इसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला है मस्तिष्क, रीढ़ज्जू और तंत्रिका। मस्तिष्क तो आपको पता ही है कहाँ होता है, यह होता है हमारे कपाल में। ठीक है, और हमारी जितनी भी अच्छी क्रियाएं हैं कि हमें हाथ हटाना है, क्या करना है, हमें कौन सी सुगंध अच्छी लग रही है, क्या हमें देखना है, क्या हमारे रंग हैं, मतलब सब चीज़ें जितनी भी अच्छी क्रियाएं हैं वो सब हमारे मस्तिष्क के द्वारा होती हैं। हमारे मस्तिष्क में कई भाग होते हैं और कहा जाता है कि जो मानव मस्तिष्क है वो सबसे अच्छा है, इसलिए इसको सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित करता है। रीढ़ज्जू क्या होता है? दूसरा है रीढ़ज्जू। मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखले रचना में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं रीढ़ज्जू। जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के नीचे ये अंदर ही सुरक्षित होता है। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है जो रीढ़ज्जू है। रीढ़ज्जू से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिसे हम समस्त ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। देखिए ऐच्छिक क्रियाओं के लिए मस्तिष्क होता है और अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रीढ़ज्जू होता है। ठीक है, तंत्रिकाएं, मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। ये मैंने आपको समझाया था पहली वीडियो में कि तंत्रिकाएं जो होती हैं वो मनुष्य के शरीर में पूरी तरह से बिछी हुई होती हैं। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई भी उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ आग लग रही है और आपने यहाँ पे गलती से उंगली रखी गई, तो क्या करते हैं, आपके यहीं हाथ रखे रहेंगे? नहीं ना, तो हम क्या करते हैं, फटाफट से अपना हाथ ऐसे हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फिंगर में, इसमें उंगली में क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। ये हमारा संकेत जो था ये हमारे मस्तिष्क के पास पहुंचा तंत्रिका के माध्यम से, और हमारे मस्तिष्क ने हमें ऑर्डर दिया, नहीं ये आग है, यहां से हाथ जल जाएगा, यहां से अपना हाथ हटा लो। ठीक है, तो ये काम करती हैं, जो अनुभव उद्दीपन का काम करती हैं ये तंत्रिकाएं करती हैं, और अच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करता है मस्तिष्क और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है रीढ़ज्जू। मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, पहली तंत्रिका कपाल तंत्रिका और दूसरी रीढ़ तंत्रिका। तो कपाल तंत्रिकाएं क्या होती हैं? ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क का सूचना पहुंचाती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उद्दीपन हुआ, कि हमारा हाथ आग पे रखा गया, उद्दीपन हुआ, और कपाल तंत्रिका ने क्या किया, फटाफट से हमारे हाथ को ये सूचना किसको पहुंचा दी, हमारे मस्तिष्क को। सुनना, सूंघना, छूना, स्वाद, जैसे हमारी पांच इंद्रियां होती है, नाक कान और जिव्या और स्किन, ये जो हमारी आँख और देखना आँख है, ये जो होता है ये हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं वाली ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये सब हमारे कपाल तंत्रिका के कंट्रोल में आती हैं। फिर दूसरा है रीढ़ तंत्रिकाएं, ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं, रीढ़ज्जू से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जाल आंतरिक अंग और त्वचा में फैला रहता है। ठीक है, रीढ़ तंत्रिकाएं हैं तो किसकी हेल्प करेंगी, रीढ़ज्जू की, और कपाल तंत्रिकाएं हैं तो किसकी हेल्प करेंगी, कपाल उसकी मस्तिष्क की। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वे हो गई हैं।
अब हम आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्या होती हैं ये। अंतःस्रावी, अंतः माने जो अंदर, स्रावी माने निकल रहा है, और ग्रंथियां जो ग्रंथियां मतलब नलिकाएं सी होती हैं, वो मतलब नलिकाओं से, ग्रंथियों से एक अंतःस्राव निकलता है जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होता है, इसे ही अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन कहलाते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का स्त्राव करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी वही होता है जो शरीर के अंदर स्त्राव हो रहा है, शरीर के अंदर निकल रहा है वो अंतःस्राव है, और जिस ग्रंथियों से ये निकलता है उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जो ये निकलता है ये रासायनिक पदार्थ होता है और ये हार्मोन कहलाता है। ठीक है, हार्मोन रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं, और हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। अब हमें मेन जो है वो ये है कि हमें देखना है कि कौन कौन सी हमारे में ग्रंथियां होती हैं, क्या क्या उनके स्त्राव होते हैं। सबसे पहला है पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन के लिए इफेक्टिव होती है। अगर हम इसकी कमी हो जाएगी वृद्धि हार्मोन की तो क्या होगा, शरीर की वृद्धि या बच्चों की वृद्धि रुक जाएगी। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, आपने देखा होगा गला जो होता है बहुत मोटा सा हो जाता है किसी किसी का, आपने देखा होगा, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो निकलता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, और उस रोग को बोलते हैं घेंघा रोग, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तीसरा है पैराथायराइड, इसमें से निकलता है पैराथॉर्मोन, और यह रक्त में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अधिव्रत ग्रंथि, इसे एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, एड्रिनलिन निकलता है इसमें से, और यह क्रोध चिंता उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। मतलब ये अगर हम बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, तभी एड्रिनलिन निकलेगा और हमें थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। फिर आता है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको हम पैनक्रियाज भी कहते हैं, इनसे इंसुलिन निकलता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, आपको पता है आजकल डायबिटीज कितना चल रहा है, डायबिटीज को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह रोग, डायबिटीज हो जाता है किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से, और ये इंसुलिन हार्मोन निकलता है पैनक्रियाज से। फिर है वृषण, नर में टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, नर जननांगों के विशेष प्रकार के प्रेरित होते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अंडाशय से निकलता है मादा में एस्ट्रोजन। ये क्वेश्चन आता है कि फीमेल वाला हार्मोन कौन सा है और मेल वाला हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन जो निकलता है वो अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया है आपका जंतुओं में समन्वय, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे पौधों में समन्वय को, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम ही खत्म हो जाएगा। होपफुली आप वीडियोस देखते रहेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू, बाय।